रांची का इलाका लियारी गुज़श्ता 4 रोज से मैदान जंग बना हुआ है। ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह तसादुम के बायस जहां एक तरफ इलाके में खौफ की फिजा छाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ खौफजदा होने वाले मासूम बच्चों को खेल कूद और स्कूल न जाने का गम सता रहा है। इन बच्चों ने फायरिंग बंद करने की अपील की है ताकि वो अपने स्कूल जा सके। लियारी के दाखिली रास्ते घास मंडी के मकीन इस सूरत हाल से शदीद मुतासिर हैं। एक तरफ तो मकीनों का कहना है कि पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी और इनकी जानिब से फायरिंग से मासूम बच्चों के दिलों में खौफ और डर बैठ गया है। वहीं दूसरी तरफ मकीन पुलिस की मौजूदगी पर खासे मुतमईन नजर आते हैं और इनका कहना है कि इनकी मौजूदगी से वो खुद को ज्यादा महफूज समझते हैं। यहाँ पर खड़े हुए हैं ना ये पुलिस वाले, तो ये हमारी तहफ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं। मेहरबानी करके इसको बंद करें और है ना, हमारे को ये अच्छा नहीं लगता है, हम ना निकलने जैसे बाहर, ना ड्यूटी पे जाने जैसे। बच्चे स्कूल गए हैं और है ना वहाँ दूसरे घर में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ से रब्ता भी नहीं हो रहा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से मासला ख़त्म करें ताकि हम अपने बच्चों से मिल सकें। जुमे से शुरू होने वाले ऑपरेशन के बाइस मुतासर इलाकों के मकीनों ने महफूज मकाम की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी है। इनका कहना है कि इस सूरत हाल के बायस इनके पास अपने घर बार छोड़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हम लोग मजबूर है भाई घर छोड़ के निकलने के लिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे मजदूर टाइप के लोग हैं, हमें जो है ना तंग किया जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता 4 रोज से जारी इस ऑपरेशन ने इनकी रोजमर्रा मामूलात जिंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। कैमरामैन मेहदी अली के साथ शफी बलोच, डॉन न्यूज़ कराची। लोग भूख से मर रहे हैं।